नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल लर्न टेक पॉइंट में। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना होगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो उसके लिए आपको अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है एंड जिस भी फ़ोटो का पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है उसे यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, अर्थात ओपन कर लेंगे। ओपन कर जिस लोकेशन पे रखी है वहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले इसे हमें यहाँ से कट कर देना एंड आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है वीजी रिमूव, कुछ इस तरह वीजी रिमूव लिख देंगे। सर्च कर रहा है। उसके बाद सबसे टॉप में एक वेबसाइट आएगी, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अपलोड इमेज का टैब आ रहा है, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड जिस भी फ़ोटो का पासपोर्ट साइज बनाना था और उसका बैकग्राउंड चेंज करना था उसको यहां से इंसर्ट कर लेंगे, क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में रिमूव हो रहा है अभी। उसके बाद सिंपल इस एडिट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग इमेज कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर कलर का टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे बहुत सारा कलर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से जिस जैसा भी कलर आपको रखना है वैसा कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे ब्लू लेना, तो यहाँ से मैं हल्का ब्लू ले रहा हूँ। उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो सिंपल यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अपने फ़ोटोशॉप में चले जाना है। उसके बाद यहाँ से वो डाउनलोड हुई फ़ोटो यहाँ इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए डाउनलोड में जाना है एंड वो फ़ोटो ओपन कर लेनी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्रॉप टूल पे जाना है एंड यहाँ पे टाइप करना है 1.2 इंच 1.5। ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो की लेंथ, हाइट और विड्थ होती है और रिजोल्यूशन आपको 300 रखना है। उसके बाद इसको बड़ा करने के बाद फ़ोटो कुछ इस तरह क्रॉप कर लेंगे। दोनों शोल्डर अच्छे से एकदम आना चाहिए। इसको अभी हल्का सा और छोटा कर देंगे। उसके बाद सिंपल सही वाले निशान पर टिक कर देंगे। तो मेरा ऊपर छूट गया, तो इसको एक बार फिर से थोड़ा क्रॉप कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा ऊपर करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्लिक एंड आपको इस टूल पे जाना है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है, कुछ इस तरह से इसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे एंड राइट क्लिक। उसके बाद फेदर में जाके एक नंबर करके ओके कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। उसके बाद सबसे टॉप वाली को रेड की तरफ पुश कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे कंट्रोल जीरो से फिट टू स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद इसके बाल थोड़ा वाइट ही से हम ब्लैक करेंगे। यहाँ पे ये बर्न टूल लेके इसको हल्का सा ब्लैक कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वाइट आ रहा है कुछ इस तरीके से ब्लैक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ब्लैक हो रहा है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू पेज ले लेना है एंड यहाँ पे ए4 साइज रखनी है।
इसको यहाँ साइड में कर देना एंड मूव टूल लेना है। उसके बाद इस फोटो को इस तरह मूव कर देना है। मूव करने के पश्चात आपको इसमें बॉर्डर लगाना है, उसके लिए राइट क्लिक करेंगे या फिर एडिट मेनू में जाएंगे एंड स्ट्रोक पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक अगर सेलेक्ट रहेगा तो ठीक है, नहीं यहाँ से ब्लैक कलर चूज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो मेरा ऑलरेडी ब्लैक है और यहाँ पे 3px रखना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो मेरा भी स्ट्रोक लग गया है, देख सकते हैं जूम करके ब्लैक में बॉर्डर लग गया है, देख सकते हैं। उसके बाद पेज को छोटा करेंगे और कुछ इस तरीके इसको यहाँ से ले जाके फिट कर देंगे। डबल करने के लिए अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस शिफ्ट होल्ड करेंगे, उसके बाद अपने माउस से क्लिक करके इसको इस तरह मूव करेंगे, स्लाइड कर देंगे हल्का सा। उसके बाद दोनों कीबोर्ड की छोड़कर फिर से उसे प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक और जितनी भी फ़ोटो आपको चाहिए उतनी बार ऐसे कर सकते हैं। एक बार खिसका के छोड़ देना है अल्ट शिफ्ट, उसके बाद दोबारा से प्रेस कर लेना है। तो हमारे A4 साइज में इस तरह 6 फोटोज़ आती हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 फोटोज़ आ गए। तो मेरा पासपोर्ट साइज़ जो है वो एकदम फिट है। तो इसको और फुल पेज में निकालना है तो उसके लिए शिफ्ट होल्ड करना एंड इस पर क्लिक, उसके बाद तीसरे वाले पे, फिर चौथे, फिर पांच वाले, फिर छठवें वाले पे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो इस तरह पूरा लॉक हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे की ओर मूव करेंगे तो ये जितनी फ़ोटोज़ थी वो सारी डबल हो गई। उसके बाद अब इसको भी डबल, उसके बाद अब इसको भी इस तरह कुछ इस तरह डबल कर लेंगे। जितनी भी फोटो आपको चाहिए आप उतनी ही भी डबल कर सकते हैं। जैसा कि मुझे इतनी चाहिए तो मैं इतनी डबल कर ले रहा हूँ। यदि आपको कम चाहिए तो कम भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। इसे डिलीट कर दूँ, मेरे 6 ही फ़ोटो चाहिए थी, वो तो मैं बस आपको बताने के लिए दिखा रहा था। तो मुझे 6 ही फ़ोटो चाहिए तो मेरी 6 फ़ोटो बन के तैयार हो गई है। अब सीधा हम इसे कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।